हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब कैन पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस MTS के जो ट्रेड वाइज कट ऑफ है कितनी रह सकते हैं फुल एनालिसिस के बाद, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे फेसबुक पेज से लगभग 16,000 के करीब छात्र जुड़ चुके हैं। कुछ ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किया और कुछ ने कमेंट से, और उनका मतलब रिप्लाई था कि सर हमें ट्रेड वाइज कट ऑफ बताए जो हमारे ट्रेड वाइज कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो सबसे पहले आप इसे लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी कट ऑफ के बारे में पता लग सके और अपने वो ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है दिल्ली पुलिस MTS की भर्ती के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपकी पोस्ट क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो सबसे पहले देख लेते दोस्तों जो आपके वैकेंसीज है, टोटल 707 पोस्ट है अलग अलग ट्रेड के हिसाब से और जो कैटेगरी वाइज बढ़ी हुई है जो आपकी पोस्ट है वो कितनी कितनी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जो छात्र प्रेजेंट थे, यानी छात्रों ने फॉर्म भरा, तो 7 लाख के करीब जो छात्र है उन्होंने फॉर्म भरा था और 5 लाख के करीब जो छात्र थे एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। अब बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था, ईजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन आए थे, स्टैटिक GK पूछी गई थी उसमें, और जो आपका एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो कट ऑफ ऊपर जाने के पूरे चांसेस है, जो कट ऑफ है आपके हाई रहने के पूरे चांसेस है यहाँ पे। तो कट ऑफ हमने आपके ट्रेड वाइज मार्क्स को देख के बनाई है, अगर दोस्तों आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी अच्छी तरह से कर दें, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी आई जाने वाली है। आपको पता है जो छात्र है काफ़ी सिंसियर है जॉब्स को लेकर आजकल के मामले आज के टाइम पर, और जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी हाई है आज के टाइम पर, तो इसी वजह से जो कट ऑफ है वो पूरी हाई जाने के चांसेस है। आप कुछ भी अपशब्द का इस्तेमाल ना करें इस वीडियो में। तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट है आपसे हमारी, और कट ऑफ की शुरुआत करते हैं हम आपको 6 से 7 कट ऑफ के बारे में बताएंगे, जिन कट ऑफ के सबसे ज़्यादा छात्रों ने हमें मार्क्स अपने भेजे थे। कट ऑफ बताई थी उन्होंने कि हमारे इतने मार्क्स से कैटेगरी वाइज भेजे थे उन्होंने, कितने से कितने रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुक की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो कुक की कट ऑफ की बात करें, UR के लिए रह सकती है 80, OBC के लिए 75, SC के लिए 70 और ST के लिए 68, ये कुक की कट ऑफ है दोस्तों। अब बात करें अगली कट ऑफ के लिए, जो अगली कट ऑफ है वाटर करियर के लिए कितनी रह सकती है। वाटर करियर के लिए UR की 84, OBC के लिए 80, SC के लिए 74 और ST के लिए 72। अगली कट ऑफ की बात करें दोस्तों, सफाई कर्मचारी के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी। सफाई कर्मचारी के लिए जनरली रह सकती है 78, OBC के लिए 76, SC के लिए 70, ST के लिए 65। बात करें दोस्तों आपकी अगली कट ऑफ टेलर की, जो कट ऑफ है जनरल की रह सकती है 70, OBC की 68, SC की 65, SC की 62। बात करें अगली कट ऑफ की दोस्तों, जो मोची की कट ऑफ है, कि मोची की कट ऑफ कितनी रह सकती है यहाँ पर आपकी। तो दोस्तों मोची की जो कट ऑफ है आपकी वो जनरल के लिए 68, OBC के लिए 65, SC के लिए 63 और ST के लिए 60। और अगली जो बात करें कट ऑफ दोस्तों माली के लिए जनरल की होगी 80, OBC के लिए 75, SC के लिए 70 और SC के लिए 65, यहाँ दोस्तों 65 मान के चले, ST के लिए 60। तो दोस्तों अगर आपके इतने नंबर है तो आप अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आप सबको पता ही है कि चुनाव चल रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका जो एग्ज़ाम है उसको कहीं ना कहीं डिले किया जा रहा है रिजल्ट को लेकर, और जो आपका एग्ज़ाम था वो भी ऑफलाइन हुआ था, इस वजह से भी उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। तो जो चेकर्स है, शायद वैसे तो हमारी जो शीट है वो मार्च से होती है, लेकिन उसमें भी जो टाइम लगता है ऑनलाइन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से जो आपका रिजल्ट है वो थोड़ा और डिले हो सकता है। तो मिड जून में आपका जो रिज़ल्ट है वो आने की पूरी संभावना है। अगर जून में नहीं आता, मिड जून में यानी कि सेकेंड वीक ऑफ जून में, तो आपका रिज़ल्ट थोड़ा और डिले हो सकता है, फिर उसके बाद तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो आपका रिज़ल्ट है फिलहाल तो मिड जून में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।